हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लास। जैसे कि आप सभी को बताया कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ मैटर लाते रहते हैं, तो आज आपके लिए 9th क्लास का चैप्टर 4, जिसका क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, आप देख सकते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। 19वीं सदी के भारतीय नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा गया है? तो राजा राम मोहन राय को। संवाद कौमुदी किसने प्रकाशन किया? तो राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी की गई है 1828 में। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूल शंकर। अनुवर्त आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो आचार्य तुलसी। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863 को हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के मोरवी क्षेत्र के टंकारा में हुआ था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत कहाँ हुआ था? अजमेर में। सती प्रथा विरोधी कानून कब पारित हुआ? लगभग 1829 में। अनुवर्त आंदोलन किसने शुरू किया? आचार्य तुलसी, जैसे कि पहले पढ़ ही लिया। अनुवर्त का अर्थ क्या होता है? छोटे छोटे, अर्थात छोटे छोटे जो नियम है वो। शुद्धि आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो शुद्धि आंदोलन देख सकते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी और जितनी भी कुप्रथाएँ थी उसका विरोध किया था, और विशेष परिस्थितियों में अन्य धर्म स्वीकारने वाले जो हिंदू लोग थे उनके शुद्धिकरण हेतु हिंदू धर्म में वापस शामिल करने के लिए एक शुद्धि आंदोलन चलाया था। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उनके बारे में डिटेल से लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। राजा राम मोहन राय का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा? तो राजा राम मोहन राय का राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने भी जितने भी अभी तक जितने भी समाज सुधार हुए हैं उन सभी ने क्या किया, जितनी भी कुप्रथाएँ थी उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। उसके बाद में स्वामी विवेकानंद की प्रारंभिक जानकारी है, मतलब कि उनकी जीवन के बारे में बताना, उनके परिवार के बारे में बताना, उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनके जो गुरु थे और किन से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की उसके बारे में बताया गया है। आर्य समाज के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये 7 प्रमुख उद्देश्य हैं, इनके बारे में आर्य समाज के लोग इनकी पालना भी करते हैं। उसके बाद में अनुवर्त आंदोलन क्या है? तो अनुवर्त जो है वो किसी भी धर्म या संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें 13 पंथ संघ के आचार्य श्री तुलसी थे, इन्होंने धर्म समाज या जाति को कोई भी अनुवर्ती बन सकता है, तो इनके भी कुछ अलग ही नियम थे। ब्रह्म समाज द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। तो ब्रह्म समाज जो था उसने क्या क्या सुधार किए, किन किन प्रथाओं की समाप्ति करवाई, वो सारी की सारी चीज़ें इसके बीच में डिस्कस की गई हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका रही है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। स्वराज्य को कार्य का आधार बनाया गया और इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में आगे बढ़ाने का कार्य किया और जितनी भी कुप्रथाएँ थी उनको भी दूर करने का प्रयास किया। साथ में विदेशी वस्तुओं का भी इन्होंने बहिष्कार किया है। उसके बाद में निबंधात्मक क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। भारतीय नवजागरण के बारे में बात की गई है, क्या क्या कारण थे जिससे भारतीय नवजागरण आया, कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे भारत के अंदर आ गई थी, इन्होंने लोगों का बहुत ज़्यादा ही क्या शोषण किया था। उसके अलावा भारत में छापे खाने की शुरुआत हो गई थी, भारतीय सामाजिक और धार्मिक जो विचारधारा थी उसमें भी परिवर्तन आ गया था, और फिर कई समाज सुधारका है जिन्होंने समाज के अंदर जो कुरीतियाँ थी उनको दूर किया। उसके अलावा हिंदू कॉलेज के माध्यम से भी लोगों की जो भावनाएँ थी उसको चेंज किया, या हम कह सकते हैं परिवर्तन लाए। राजा राम मोहन राय के जीवन व शिक्षाओं के बारे में बताएं, तो ये आप देख सकते हैं। पूरे जीवन के बारे में बताना है, कहाँ से शिक्षा ली, किसने शिक्षा ली, क्या इन्होंने स्थापना की, तो सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन व सिद्धांतों के बारे में बताएं, तो ये सारे का सारा लिखा हुआ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। अनुवर्त आंदोलन पर निबंध लिखना है, तो अनुवर्त आंदोलन का भी आप देख सकते हैं, ये सारे का सारा अनुवर्त आंदोलन है। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है। भारतीय समाज, धर्म और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति स्वामी विवेकानंद जी का क्या योगदान रहा? तो इसके बीच में जितने भी समाज की कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का जो भी कार्य किया गया, उनके जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की उनकी सारी कहानी लिखनी है, जो पहले भी 2-3 क्वेश्चनों में आप पढ़ चुके हैं वो सारी की सारी लिखनी है। उसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ। दक्षिण भारत के शैव अनुयायियों को क्या कहा जाता है? नेयनार कहा जाता है, और जो विष्णु के होते हैं उनको अलवार कहा जाता है। उसके अलावा मध्यकालीन भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय क्या था? वैष्णव मत था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके अलावा सुधारक स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन से
कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद, जिनका गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। अलवार कौन होते हैं? विष्णु के अनुयायी दक्षिण भारत के अंदर। भक्ति आंदोलन के कोई दो संत रामानंद और चैतन्य महाप्रभु। सूफी संत जो हैं उनको सूफी क्यों कहा जाता है? क्योंकि संत ये क्या करते हैं, ऊन की तरह सफ़ेद वस्त्रों का लबादा पहनते हैं, इसलिए कहा जाता है। कि नहीं, दो सूफी संतों के नाम बताएं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और हमीदुद्दीन नागौरी। सूफी संप्रदाय चिश्ती सुहरावर्दी राजा राम मोहन राय का जन्म हो गया। कब हुआ है वो? ब्रह्म समाज की स्थापना कब, किसने की, वो चीज़ आ गई है। ब्रह्म समाज मूलतः किस पर आधारित है? वेद और उपनिषद पे। सती प्रथा का विरोध कानून किसके प्रयासों से हुआ? तो राजा राम मोहन राय के। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर से। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने। प्रार्थना समाज की आत्मा पांडुरंग ने की। नए युग का अग्रदूत किसे कहा गया? राजा राम मोहन राय को। हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी भाषा की रचना की गई? तो 1874 में सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज की स्थापना कब की गई? 10 अप्रैल 1875 को। आर्य समाज के दो सिद्धांत बताइए। वेदों की सत्यता पर बल, ईश्वर सर्वशक्तिमान निराकार अनित्य है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सी बुराइयों का विरोध किया वो देख सकते हैं। किस समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में किसने व कब भाग लिया? तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में। उसके अलावा ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। उसके बाद में वैष्णव मत के बारे में बताना है। जितने भी ये मत हुए हैं, सूफी मत हुए हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन इनमें से बनने की 100% संभावना की बनेंगे ही बनेंगे। उसके अलावा ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत क्या हैं, उसकी स्क्रीनशॉट ले लें। आर्य समाज में स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए क्या प्रयास किए गए? किस तरह से शिक्षा प्रचार प्रसार किया गया? जो कुरीतियाँ थी उसको किस तरह से हटाया गया? वो चीज़ें। आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? किन शिक्षाओं पर उन्होंने बल दिया? उन चीज़ों के बारे में बात की गई। स्वामी विवेकानंद शिकागो क्यों गए थे और उन्होंने वहाँ पर क्या कहा? भाइयों बहनों के नाम से उन्होंने संबोधित किया था। और क्या बातें लिखी हैं आप पढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने क्या प्रमुख कार्य किया उनके बारे में बात की गई है। उसके अलावा निबंधात्मक क्वेश्चन क्या क्या स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताना चाहिए आपको, ठीक है। उसके अलावा दयानंद सरस्वती जी के बारे में बताना चाहिए। इनसे ही आपके क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको जितना भी मैटर है वो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पहले की जो वीडियोज़ है अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और जाकर अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको जाकर ज़रूर करें। इसके साथ साथ टेलीग्राम पे आपको सारी की सारी न्यूज़ दे दी जाती है। और अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो उसको भी दबा दें, ताकि सारे की सारी जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसके नोटिफिकेशंस आपको प्रोवाइड करा दिए जाए। और अगर आप फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।